नमस्कार किसान भाइयों, राजस्थान के अंदर जो सोयाबीन की खेती की जाती है, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर सोयाबीन का जो एरिया है वो 7 से 8 लाख हेक्टेयर के लगभग है। और ये हमारे हाड़ौती जोन जो है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, इसमें मुख्यतः सोयाबीन की खेती की जाती है। और सोयाबीन को अगर सावधानीपूर्वक करें तो इसमें बहुत फ़ायदे हैं। इसमें जो सोयाबीन की फसल उगाते हैं किसान, उस टाइम कुछ चीज़ें उनको ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि जब वो बीज लेते हैं तो वो प्रॉपर जो इंस्टीट्यूट या संस्थान है, जैसे कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र है, या फिर RSS NSS है, जो स्टैंडर्ड सीड है या अनुमानित जो सीड है उसको बोलते हैं सर्टिफाइड सीड वगैरह, उसको ही हमें बुआई करना चाहिए। इसके अलावा बुआई करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमारे बुआई के लिए जो बीज उपचार के लिए सलाह दी जाती है कि वैज्ञानिकों द्वारा, उसको हमें अपनाना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब किसान भाई बिना बीज उपचार के फसल को लगा देते हैं तो उसमें कीट और बीमारियों के प्रकोप काफ़ी रहते हैं। तो अगर आप शुरू में उसमें कीट और बीमारियों से रोकने के लिए, उसको कीट बीमारियों रोकने के लिए अगर बीज उपचार करके फसल को लगाएंगे तो उससे हमें अधिक से अधिक फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा इसमें क्या होगा, जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है हमारा, जो वेराइटी का या सोयाबीन का किस्म का जो रिकमेंडेड है कि 60-65% होना, वो 60-65% जर्मिनेशन पूरा आएगा बीज उपचार करने से। अगर आप उसको नहीं उपचारित करते हैं तो जर्मिनेशन परसेंट आपका घट जाएगा और आपकी बीज की दर बढ़ जाएगी। बीज की दर बढ़ने से क्या होगा कि उसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाती है, क्योंकि बीज ज़्यादा मात्रा में आप खरीदते हैं या घर का बीज किसान लगाता है तो उसको पता नहीं रहता कि मेरा बीज जो है वो कितनी मात्रा में उगेगा और कितना नहीं उगेगा, क्योंकि कोई जर्मिनेशन टेस्ट नहीं कराता है। हमेशा हमको अच्छी दुकान से या अच्छे जो रेपुटेड संस्थान है वहीं से बीज खरीद करके उसको बोना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए उसको उपचार करके लगा। उसके बाद में जो हमारे मुख्य फसल जो बढ़वाल लेती है, उस समय कुछ कीट आते हैं, तो उन कीटों को हमें कीटों के प्रभाव से बचाने के लिए हमें जो रिकमेंडेड दवाइयाँ हैं, रासायनिक दवाइयाँ, उनका प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी है, ये उगने के दूसरे सप्ताह तीसरे सप्ताह में चालू हो जाती है, तो इसके लिए जैसे हम सिस्टमिक दवाई के लिए रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई इसे मान लो अपने को इमिडाक्लोप्रिड, उसका स्प्रे करना चाहिए और वो दवा इंसेक्ट नज़र आते ही कर देना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में आ जाएगी फिर उस दवा से अपने को प्रभाव और उसका प्रभाव को रोकने के लिए काफ़ी कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अपने को इनिशियल स्टेज में अगर कीट का प्रकोप नज़र आता है, उस समय हमें रासायनिक दवा का छिड़काव कर देंगे तो उससे हमें कम से कम नुकसान होगा और हमारा पौधे वो सुरक्षित बचा रहेगा। इसके बाद में कुछ गटर बीटल का नाम आपने सुना हो, उसको कटर पिलर के नाम से भी जानते हैं, रिंग गटर बीटल गटर बनाता है पौधे में, इसको रिंग बनाता है, तो उसका आक्रमण करता है, वो भी 25 से 30 दिन जर्मिनेशन के 25-30 दिन बाद शुरू हो जाता है। और उसके बाद में वो पौधे के जो मुख्य तना उसको छोड़ करके जो साइड के तने हैं उस पर एक रिंग बनाता है, 1 इंच की दूरी पर 2 रिंग बनाता है और उसमें एक लिंक करता है, और वो फिर अंदर अंदर गटर बीटल का लार्वा वो चलता रहता है और वो नुकसान करता रहता है। कभी कभी होता है जब फलियाँ बन जाती है, वैसे ज़्यादा मात्रा में अगर अटैक हो जाता है तो स्टार्टिंग में पौधा सूख जाएगा जो वहाँ से रिंग बनी वहाँ से, अगर नहीं सूखता है तो फलियाँ बन जाएगी, तो फलियाँ बनने के बाद जब पौध में पौधे में वजन बढ़ जाता है तो वहाँ से जहाँ रिंग बनी वहाँ से पौधा टूट करके उसकी टहनी टूट के अलग हो जाती है, इससे हमें नुकसान होता है कि प्रॉपर हम उसके ऊपर नहीं ले पाते हैं। उसके बाद साथ ही साथ में कुछ डिफोलेटर इंसेक्ट्स भी आते हैं जो कि पत्तियों को खाते हैं, कुछ लटे जैसे हमारा सेमी लूपर है, हेलिकोअर्पा जिसको हम बोलते हैं, चने की लटे, एस्पोडोप्टेरा लिटुरा है, या फिर आती बिहारी कैटरपिलर वो है, इस प्रकार के इंसेक्ट्स आते हैं, ये भी काफ़ी मात्रा में नुकसान करते हैं सोयाबीन फसल को। इनको भी समय रहता है अगर हम उपचारित करेंगे, जैसे मान लो कुनोरफास है, क्लोरपाइरीफॉस है, या प्रोपेनोफास नाम की दवाएँ आती है, इसका 1 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम घोल बनाकर छिड़काव करेंगे, तो उसमें प्रॉपर मात्रा में अगर छिड़काव करेंगे सही उचित सलाह के सिफारिश अनुसार तो उसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें हमें मुख्यतः एक ध्यान ये रखना है कि जो किसान भाई हमेशा कंजूसी करते हैं कि दवाई तो पूरी ले लेते हैं परंतु पानी की मात्रा कम से कम लेते हैं। पानी वो सोचते हैं कि हम रिकमेंड करते हैं 500 लीटर पानी के अंदर घोल के आपको 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर छिड़काव करना है। किसान भाई क्या करता है, किसान भाई या तो खुद खेती नहीं करता, वो बटाई भी देता है, या अपने किसी बंधुआ मजदूर से खेती कराता है आली वगैरह से, तो उस समय पर वो छिड़काव करते ध्यान रखते हैं और कम मात्रा में पानी लेते हैं। दवाई तो पूरी चली जाती है, पानी कम जाता है, इससे पौधे में पूरी तरह से आपका जो दवाई है रासायनिक दवाई पूरी फैल नहीं पाती है, जिससे उसका नियंत्रण तेज नहीं हो पाता। इनिशियल 1-2 दिन के अंदर तो लट आपके नीचे बैठ जाएगी, पर जो है उसका प्रभाव कम होता है दवाई का, वापस पौधे के ऊपर आकर भी खाना चालू कर देती है। इस प्रकार का ध्यान रखें, रासायनिक दवाई अगर अपन छिड़काव करते हैं तो उसके लिए पूरा में ध्यान है। इसके अलावा कुछ हमारी यांत्रिक विधियाँ भी, जैसे फेरोमोन ट्रैप है या लाइट ट्रैप है, उनका भी प्रयोग करना चाहिए। उससे क्या होगा,
कि जो लाइट ट्रैप है उसमें हमें कोई रासायनिक दवाई काम में नहीं लेनी चाहिए। खेत के अंदर लाइट बल्ब लगा देते हैं और नीचे बड़ी सी परात लेकर उसमें पानी भर के कुछ भी केरोसिन वगैरह मिला देते हैं, एक लेयर बन जाती है उसकी, और जो भी रात में कीट आते हैं जैसे मान लो पतंगा है ये आते हैं तो ये उसकी तरफ आकर्षित होकर और अपने आप उसमें पानी में गिर के मर जाते हैं। उसमें कोई रासायनिक दवाई काम में लेना, कोई पोल्यूशन नहीं होता है और इजी गोइंग मेथड्स है। इसके अलावा जो फेरोमोन ट्रैप लगाया जाता है उसके अंदर होस्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे मान लो स्पिरोप्टेरा का फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, हेलिकोर्पा का लगाते हैं, उसके लिए उसको लगाने से क्या होगा उसके अंदर मोएल मोथ जो होता है जिसको मतलब मेल होता है, नर कीट आकर्षित होता है, उसका मादा आता है और उसको इकट्ठा उसमें पॉलिथिन का जो बैग होता है ट्रैप का उसमें इकट्ठा होता है और उसको सवेरे 7 बजे उसको खोल करके उसमें से कीट निकाल करके मार देते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक दवाई को नहीं काम में लेकर के अपन इन प्रकार की दवाइयों को भी काम में लेंगे तो उससे हमारा कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। पर ध्यान रखना है कि अगर मान लो हमें मॉनिटरिंग पर्पज से लगाना है तो 5 ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाना होता है, और प्रबंधन करना है किसी कीट का जो मैंने मतलब आपका स्पिरोप्टेरा हेलिकोवर्पा इनके लिए 20 से 25 ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लगाते हैं। इसके साथ ही किसान भाई एक और बिना रासायनिक दवाई के तरीका बताता हूँ मैं आपको कि जो टी पर्च होती है बांस की पच्चियाँ होती है उनको खेत में लगाया जाता है, उसके ऊपर जो हमारे पक्षी होते हैं जैसे मित्र कीट है, काली चिड़िया है या दूसरे पक्षी जो हैं जो कि इजीली उस पर टी पर्च पे बैठ करके लट को देख करके चूज करके उसको खा लेते हैं। अगर मान लो उस प्रकार टी पर्च के आगे रास्ते टी पर्च लगाना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें कीट को बैठने के लिए जगह देना होता है, इसको आश्रय स्थल बोलते हैं हम, उसके ऊपर बैठ कर कीट आराम से वो पक्षी या कीट को आराम से पहचान के लट को पहचान के खा जाता है। तो इस प्रकार से रासायनिक दवाई का बिना यूज के कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी हमारे जो बिना रासायनिक दवाई दवाएं जैसे NPV है या बेसिलस थुरिंजियम BT के नाम से आता है बैक्टीरिया, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कुछ फंगस भी होते हैं, न्यूमेरा रिलाई है, बेवेरिया बेसियाना है, मेटाराजा यूनिसेफलीस है, इस प्रकार की दवाएं जो हैं हमारे लिए किसी भी स्वास्थ्य पर नुकसान नहीं करती और इससे हम कीट को आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं और हमारा अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं हम सोयाबीन फसल का। तो किसान भाइयों इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप सोयाबीन की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अधिक से अधिक फायदा मिलेगा, अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। जय हिंद, जय किसान।